नमस्कार साथियों, मैं मनीष मोहल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग लेकर के आए हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत का एक और नया अध्याय, और अध्याय है 4 सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। आज हमारा नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है और इसका है लेक्चर नंबर 1। इस किताब के भी भैया अपन ने 3 चैप्टर पूरे कर लिए, संविधान वाली पूरी किताब पढ़ ली और उसके बाद इस किताब के 3 चैप्टर पूरे हो चुके हैं, परिचय हो चुका है। फिर परिचय देने के बाद आपको स्वतंत्र कर दिया गया, स्वतंत्र के बाद आपको समानता दी गई और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की हम लोग बात करने जा रहे हैं। और जब भी हमारा नया अध्याय शुरू होता है तो हमारी एक परंपरा है, और परंपरा यह है कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो जान लेते हैं। तो हमें इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है, इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि न्याय क्या है, व्हाट इज जस्टिस। जब हम बात कर रहे हैं कि न्याय 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 जस्टिस, और आज आपने बहुत सी बार लोगों के मुंह से ये बोलते हुए सुना होगा, साहब मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ न्याय होना चाहिए था। तो ये न्याय क्या है ये जानेंगे, इसके बाद बात करेंगे न्यायपूर्ण बंटवारा क्या होता है, फिर रोल्स का ये न्याय सिद्धांत क्या है इसकी बात करेंगे, फिर सामाजिक न्याय का अनुसरण करेंगे, फिर मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप है इसकी चर्चा करेंगे। ओके, ये हमारा पूरा चैप्टर का फ्लो है कि न्याय क्या होता है, न्यायपूर्ण बंटवारा क्या है, न्याय का सिद्धांत क्या है, सामाजिक न्याय का अनुसरण और मुक्त बाजार बनाम राज्य की बात करेंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर फ्लो में रहेगा वो एक ही टॉपिक रहेगा, दैट इज व्हाट इज जस्टिस या न्याय क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। न्याय क्या है, व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज जस्टिस। अब ये आप देखिए, ऐसा शब्द है जो आप बहुत सी बार सुनते हैं, बहुत सी बार इस पे मंथन भी करते होंगे, सोचते भी होंगे, विचार भी करते होंगे। मैंने पहले भी कहा है कि हमारा सोशल साइंस के जो भी सब्जेक्ट है उनमें से कोई सा भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो बिल्कुल हवा में चलता हो, जिसके बारे में आपने कभी सुना ही ना हो। अब जब हम यहाँ पे न्याय भी पढ़ रहे हैं, जब हम यहाँ पे जस्टिस भी पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आपने जस्टिस के बारे में कभी सुना ही ना हो कि जस्टिस क्या होता है, या ये जो शब्द है ये न्याय, ये जो शब्द है, इस शब्द के बारे में नहीं सुना होगा आपने। बहुत सी बार सुना होगा कि साहब न्याय होना चाहिए, अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, ऐसे शब्दों का आपने जिक्र अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने स्कूल में, अपने खेलने वाले मैदानों में, अपने गली मोहल्लों में बहुत सी बार सुना होगा। तो ये न्याय एग्जैक्टली होता क्या है, ये जस्टिस क्या होता है, इस न्याय की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारा जो मुद्दा है, जो मेन मुद्दा है वो है सामाजिक न्याय। हमारे चैप्टर का नाम है सामाजिक न्याय, क्योंकि न्याय तो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। क्योंकि देखिए, हमने जब संविधान वाली किताब पढ़ी थी तो हमने उसमें प्रस्तावना पढ़ा था, और प्रस्तावना में हमने देखा था कि भारत का संविधान न्याय की जब बात करता है तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी प्रकार के न्याय देने की बात करता है। तो यहाँ पर तो न्याय जो है अभी सामाजिक न्याय की बात हो रही है, और सामाजिक न्याय या जब हम कहते हैं कि सोशल जस्टिस, तो सोशल जस्टिस का मतलब यह है कि सोसाइटी से जुड़े हुए हर व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। ठीक है, सोसाइटी के जुड़े हुए हर व्यक्ति के साथ न्याय होना चाहिए। परंतु सबसे पहली बात तो ये तो बताइए सर जी कि न्याय होता क्या है, जस्टिस होता क्या है। देखिए, इस किताब में, अब सॉरी, इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली न्याय क्या है। देखिए, न्याय की एक परिपूर्ण परिभाषा देना थोड़ा सा हर बार मुश्किल होता है, परंतु यहां पर जो न्याय है उसको प्रेम से जोड़ा गया है, लव से जोड़ा गया है, ठीक है ना। अपर प्रेम, सिर्फ वो वाला प्रेम नहीं है जो आजकल की जनरेशन करती है, ठीक है ना। प्रेम, लव, माता पिता और बच्चों में भी प्रेम होता है, भाई बहनों में भी प्रेम होता है, दोस्तों में भी प्रेम होता है, भाई भाई में भी प्रेम होता है, आस पड़ोसों में भी प्रेम होता है, सब में प्रेम होता है। तो प्रेम क्या है, हम प्रेम सबसे पाना चाहते हैं, हम सबसे क्या पाना चाहते हैं, लव पाना चाहते हैं, रेस्पेक्ट पाना चाहते हैं। तो उसी प्रकार से हर व्यक्ति क्या है, एक न्याय पाना चाहता है। न्याय का मतलब यह है कि अगर मैंने कुछ गलत नहीं करा तो कहीं ना कहीं मेरे साथ गलत नहीं होना चाहिए। मैं सीधी सी आम भाषा में अगर हम लोग जिक्र करें तो हम यही कहते हैं कि अगर मैंने कुछ गलत नहीं करा तो मेरे साथ गलत नहीं होना चाहिए, और अगर गलत नहीं होता है तो साहब ये न्याय है, और मैंने सही करा है तो सही होना चाहिए, ये न्याय है। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे चीन के एक बहुत बड़े दार्शनिक विचारक रहे कन्फ्यूसिस, कन्फ्यूसिस यही बात कहते हैं कि न्याय करना राजा का धर्म है, और राजा का धर्म क्या है कि गलत करने वालों को सजा दे और सही करने वालों को इनाम दे करके उसको सम्मान बढ़ाए, यही न्याय है, यही जस्टिस है। तो कहीं ना कहीं जस्टिस एक आम भाषा में देखे तो हम यही कहते हैं कि भाई जो गलत कर रहा है उसके साथ उस जैसा व्यवहार हो, सही कर रहा है उसके साथ सही जैसा व्यवहार हो, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी वाला जो है
सिस्टम में वैसा होना चाहिए। पर क्या न्याय सिर्फ इतना सा है? नहीं, न्याय में इसमें और भी हम आगे जाएंगे, पर यहाँ पर अभी न्याय को जो जोड़ा गया है, जस्टिस को जो जोड़ा गया है, वो प्रेम से जोड़ा गया है। प्रेम सबसे, हम प्रेम सबसे पाने की उम्मीद करते हैं कि भाई मुझे भी प्रेम मिले, मुझे प्रेम मिले, मुझे प्रेम मिले, हम सब प्रेम पाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से जो सोसाइटी है, समाज है, समाज का हर वर्ग क्या है, न्याय पाना चाहता है, उसको जस्टिस चाहिए। जब हम प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम बेटा व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल है, प्रेम जो है वो व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल है। आज मैं किसी व्यक्ति से प्रेम पाना चाहता हूं, मैं उससे प्रेम पाना चाहता हूं, मैं उससे प्रेम पाना चाहता हूं, ये इंडिविजुअल है। मैं गारंटी नहीं लेता कि पूरी सोसाइटी मुझसे प्रेम करे, पूरा समाज मुझसे प्रेम करे, जरूर नहीं। मैं कुछ विशेष व्यक्ति हो सकते हैं जिनसे कि मैं प्रेम पाना चाहूँ कि नहीं साहब वो तो कम से कम मुझसे प्रेम करे ही करे, या कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो ये उम्मीद करे कि नहीं नहीं साहब सर जो है वो हमसे प्रेम करे। तो प्रेम व्यक्तिगत मुद्दा है, पर जब हम यहाँ पर बात करते हैं न्याय की, तो न्याय सामाजिक मुद्दा है बेटा। पूरा समाज, हर सोसाइटी न्याय चाहती है। समाज का कोई सा भी वर्ग ऐसा नहीं है जो ये कहे कि साहब हमें तो न्याय नहीं चाहिए, अन्याय हो तो चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा नहीं है। सबको न्याय चाहिए, सबको जस्टिस चाहिए। अब एक छोटी सी बात पे अगर हम जिक्र करें कि अगर न्याय को हम एक बात आम भाषा में बोले तो क्या है, देखो न्याय की अगर मैं बात करूं तो न्याय बच्चों एक प्रकार से नैतिक है, नैतिकता है न्याय, एक मोरलिटी है न्याय। नैतिक पढ़ते हैं ना, वो पहले कक्षा, छोटी कक्षाओं में नैतिक शिक्षा की किताब पढ़ाई जाती थी, एक कहानी दी जाती थी और फिर उसमें एक शिक्षा दी जाती थी। तो कहीं ना कहीं न्याय क्या है, नैतिकता है बेटा, मोरलिटी है, ठीक है। दोस्त का, दोस्ती का साथ निभाना, ये हमारी नैतिकता है। बच्चों का अपने माता पिता के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, हम वहाँ वो कर्तव्य निभाते हैं, हम न्याय कर रहे हैं। हमारी समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारी, कुछ नैतिकताएँ होती हैं, अगर हम वो निभा रहे हैं तो हम न्याय कर रहे हैं। मतलब अगर हम सबके साथ जैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए, वो सही कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम सोसाइटी के साथ न्याय कर रहे हैं। परंतु अगर हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। और ये गलत किस आधार पे तय करें हम लोग, ये गलत हम इस आधार पे तय करें कि अगर यही घटना मेरे साथ हो तो क्या सही है या क्या गलत है, क्या सही है या क्या गलत है। आज मान लीजिए मैं किसी को पकड़ करके बहुत जोर जोर से मारता हूं और मैं कहूं ये न्याय है, और अब फिर मुझे ये सोचना चाहिए कि जो मैंने करा क्या वो सही है क्या, और किस कैसे सोचूंगा कि अगर कोई मुझे आकर क्यों मारता तो क्या वो सही होता है क्या, बिल्कुल सही नहीं होता। तो हमें न्याय का इसी बात से पता लगाना है कि अगर जो घटना अगर मैं किसी दूसरे के साथ कर रहा हूं, अगर वही घटना मेरे साथ हो जाए तो फिर वो न्याय कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, वो जस्टिस कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, वो अन्याय होगा या वो न्याय होगा। तो न्याय बात करता है नैतिकता की, मोरलिटी की बात करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, मसालेदार जो बात है वो ये है मेरे प्यारे बच्चों कि ये वाला जो चैप्टर है न्याय, ये आपका स्वतंत्रता, समानता से भी जुड़ा हुआ है। और काफी हद तक आप देखोगे न्याय में बार बार में जो बातें हो रही है वो समानता वाली सी हो रही है, इक्वलिटी वाली सी बातें हो रही है। हमने समानता में क्या पढ़ा कि कानून के रूप, कानून की नजर में सब एक बराबर होने चाहिए। तो आज की व्यवस्थाओं में, आज के मौजूदा लोकतांत्रिक देशों में न्याय देने की जो जिम्मेदारी है, न्याय देने का जो कर्तव्य है वो किसका है, कानूनी व्यवस्था का है। देश के जो न्यायालय है, न्यायपालिका है, उसकी जिम्मेदारी है। यही बात हमने समानता वाले चैप्टर में पढ़ी और यही बात आज हम न्याय वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो न्याय, सीधा सा मैं इतना कहता हूं, हमारा नैतिकता का विचार है, हमारी मोरलिटी को दर्शाता है, और हम किसी व्यक्ति के साथ वही व्यवहार करें जैसा व्यवहार हम हमारे साथ उम्मीद करते हैं तो वो हमारे लिए न्याय या हमारे लिए जस्टिस कहलाएगा। ओके, तो न्याय क्या है, न्याय एक नैतिकता का विचार है, एक प्रेम की तरह है। जैसे प्रेम हम सब पाना चाहते हैं, उसी प्रकार से हम सब न्याय भी पाना चाहते हैं, जस्टिस भी पाना चाहते हैं। और जो अन्याय शब्द है, जो इनजस्टिस वर्ड है, यह आपने अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत बार सुना होगा। जैसे कि मान लीजिए आप घर में बड़े हैं और आपसे दो छोटे भाई बहन हैं, कभी पापा मम्मी ने दो छोटे भाई बहनों को ज्यादा फल दे दिए तो आप बोलोगे मेरे साथ तो अन्याय हुआ है मेरे साथ तो अन्याय हुआ है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कभी आप गेम खेल रहे हो, गेम खेलते खेलते किसी दोस्त ने एक दोस्त को तो ज्यादा बॉल खिला दी और आपको एक बॉल कम खिलाई तो आप कहोगे मेरे साथ तो अन्याय हुआ, इनजस्टिस हुआ है, ठीक है। तो बहुत तरीके से हम अन्याय की बात देखते हैं, न्याय की बात देखते हैं। और हमेशा जीवन में एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम पॉलिटिकल थ्योरी या राजनीतिक सिद्धांत की किताबों में जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्वतंत्रता हो, चाहे वो समानता हो, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, चाहे आगे जाकर के जो भी विचार हम लोग पढ़ेंगे, कोई सा भी विचार ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में नजर नहीं आ रहा है। आज न्याय सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की बात न्याय नहीं है, सिर्फ कोर्ट की बात न्याय नहीं है, न्याय हमें हर जगह देखने को मिलता है। अगर
कोई माँ बाप अपने लड़के को पढ़ाने के लिए संसाधन खर्च करते हैं और बेटी को पढ़ाने के लिए संसाधन खर्च नहीं करते हैं, तो वो उस घर में भी बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, उस बेटी के साथ अन्याय हो रहा है। तो न्याय सिर्फ ऐसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोर्ट के मामलों में या उनके मामलों में देखें। और दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि क्या ये जो न्याय का कॉन्सेप्ट है, जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, क्या यह आधुनिक दुनिया की देन है? इससे पहले ये जब हमारे लोकतंत्र लोकतंत्र नहीं आए थे उससे पहले क्या न्याय का कॉन्सेप्ट नहीं था? तो वो चीजें भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सा जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको बताया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं न्याय क्या है। तमाम संस्कृतियों और परंपराओं को न्याय के प्रश्न से जूझना पड़ा है, भले ही उन्होंने इस अवधारणा की व्याख्या भिन्न भिन्न तरीकों से ही की हो। तो देखिए, तमाम संस्कृतियां, अलग अलग जो संस्कृतियां रही हैं, अलग अलग जो परंपराएं रही हैं, सबको न्याय के प्रश्न से जूझना पड़ा है। सबके सामने न्याय का प्रश्न था कि भैया न्याय क्या है और किसको न्याय कहा जाए, और सबने चाहे अपनी अवधारणा के हिसाब से अलग अलग भिन्न भिन्न तरीकों से व्याख्या भी करी है। कोई परंपरा कोई संस्कृति ये कहती है कि साहब ये न्याय है, कोई परंपरा कोई संस्कृति कहती है ये न्याय है। तो सबने अपने अपने हिसाब से जो न्याय की परिभाषा है, न्याय को जो है रूपित कर कर करके दुनिया के सामने रखा, सब ये न्याय है और ये न्याय नहीं है। उदाहरण, प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा था और धर्म या नियोजित सामाजिक व्यवस्था कायम रखना राजा का प्राथमिक कर्तव्य माना जाता था। तो देखिए, तमाम संस्कृतियों परंपराओं के सामने, मतलब आज हमारे आधुनिक ये जो लोकतांत्रिक देश है, इनसे पहले भी जब भी लोकतंत्र लोकतंत्र नहीं था उससे पहले भी न्याय का सवाल, न्याय का मुद्दा उठता था, ठीक है। और हर व्यवस्थाओं ने अपने अपने हिसाब से न्याय की परिभाषा देने की कोशिश करी है। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं भारतीय समाज की, ठीक है, भारतीय समाज की। प्राचीन जो भारतीय समाज है वहां पर जो न्याय है, वो जस्टिस है, वो धर्म के साथ जुड़ा होता। किसके साथ जुड़ा होता? धर्म के साथ जुड़ा होता। अब धर्म यहाँ पर क्या है? अब देखिए, बहुत से लोग तो आजकल क्या है कि धर्म का नाम आते बस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसी को धर्म समझते। धर्म का मतलब होता है बच्चों कर्तव्य, कर्तव्य के साथ जोड़ा गया। तो हमारी जो प्राचीन भारत संस्कृति थी उसने न्याय को किसके साथ जोड़ा है? कर्तव्य के साथ जोड़ा है। अगर कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य पूरा नहीं निभाता है, अगर वो व्यक्ति अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता है, तो उसने दूसरों के साथ अन्याय करा है, उसने दूसरों के साथ गलत करा है, और उस गलत के लिए उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको दंडित होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं टीचर हूं और मैं आपको अच्छा सही नहीं पढ़ाऊं, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपना बेस्ट आपको दूं, आपको अच्छे तरीके से हर चीज एक्सप्लेन करूं, अगर मैं आपको ये काम अच्छे से नहीं करता हूं, मेरा धर्म क्या है? मेरा जो पढ़ा रहा हूं ये मेरा कर्तव्य है और यही मेरा धर्म है, और इसी धर्म का अगर मैं सही से पालन करूं तो बहुत अच्छी बात, और नहीं करूं तो फिर मैंने क्या है, न्याय नहीं करा है, मैंने आप लोगों के साथ क्या करा है, अन्याय करा है। तो न्याय धर्म के साथ जोड़ा गया, मतलब कर्तव्य के साथ जोड़ा गया, और धर्म या नियोजित सामाजिक व्यवस्था कायम रखना राजा का प्राथमिक कर्तव्य था, ठीक है। और धर्म और नियोजित जो सामाजिक व्यवस्था है उसको बनाए रखना किसका कर्तव्य था? राजा का कर्तव्य था। ये राजा की ड्यूटी थी कि भैया सब अपने कर्तव्य के हिसाब से, अपने कामों के हिसाब से काम करे, ठीक है, और जो ना करे उसको क्या करा जाए, दंडित करा जाए। ये न्याय था, ये जस्टिस था हमारी प्राचीन भारतीय समाज में, भारतीय व्यवस्थाओं में। यहाँ पे जो तस्वीर दिखाई गई है वो न्याय के लिए ऑर्डर 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 को दर्शाई गई है। तो हमने देखा उदाहरण के तौर पर प्राचीन भारतीय समाज में क्या बोला गया है कि न्याय धर्म के साथ जोड़ा गया है, धर्म कर्तव्य है, और ये राजा का कर्तव्य है कि जो सामाजिक व्यवस्था है उसके हिसाब से लोग अपना कर्तव्य निभाते रहे, वही न्याय है। आप देखिए, हमने भारत की बात कर ली, अब भारत के पड़ोसी देश चीन की बात कर लेते हैं, भारत के पड़ोसी देश चीन की बात कर लेते हैं। देखो, ये जो आपको उदाहरण दिया जा रहा है, भारत का दिया जा रहा है, चीन का दिया जा रहा है, अभी ग्रीक का भी दूंगा आपको, ये जो उदाहरण आप लोगों को दिए जा रहे हैं क्यों दिए जा रहे हैं? ये इस बात को दर्शाने के लिए दिए जा रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में जो न्याय है या जस्टिस है वो आधुनिक लोकतांत्रिक देशों की देन है। मतलब बहुत पहले समय से न्याय का कॉन्सेप्ट चलता हुआ आ रहा है, पर न्याय की परिभाषा हर संस्कृति ने, हर परंपरा ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग दी है, और आज हो सकता है कि जो न्याय है उसकी परिभाषा कुछ अलग हो। आज हमने न्याय की परिभाषा क्या घोषित कर रखी है कि भैया जो देश की कानून व्यवस्था है उस कानून व्यवस्था के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आप क्या है, न्याय कर रहे हो, नहीं कर रहे हैं तो आप अन्याय कर रहे हैं, ठीक है। और ये कौन तय करेगा कि ये न्याय है या अन्याय है? तो ये न्यायपालिका तय करेगी। अब चीन के एक दार्शनिक है कन्फ्यूशंस, ठीक है, अब आप ऐसा मत बोलिएगा सर इनका नाम ही कन्फ्यूशंस है तो ये क्या खुद का कन्फ्यूजन कैसे दूर करेंगे, ठीक है ना, नाम ही कन्फ्यूशंस है इनका, ठीक है, बाकी इनके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, गजब के व्यक्ति है।
चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस का तर्क था कि गलत करने वालों को दंडित कर, भले लोगों को पुरस्कृत कर, राजा को न्याय कायम रखना चाहिए। इनका सीधा सा कॉन्सेप्ट था। इन्होंने बोला अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है उसको दंड दो, ठीक है, और कोई व्यक्ति चोर को पकड़ करके राजा को धन संपत्ति ला करके दे देता है उसको पुरस्कार दो। मतलब जो गलत कर रहा है, जो गलत कर रहा है उसको सजा दो, और जो अच्छा कर रहा है उसको पुरस्कार दे करके, उसको इनाम दे करके उसको मोटिवेट करो कि वाह 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 क्या काम करा है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश 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 शाबाश, जिससे कि आगे ऐसे लोगों में और मैसेज जाए कि वह गलत करोगे तो सजा मिलेगी और अच्छा काम करोगे तो पुरस्कार मिलकर के, इनाम मिलकर के समाज में सम्मान मिलेगा। तो कन्फ्यूशन के अनुसार जो न्याय है, जो जस्टिस है, वो क्या है कि गलत वालों को दंड, गलत जो कर रहा है उनको क्या मिले, दंड मिले, और जो सही कर रहा है उनको इनाम दिया जाए, उनको पुरस्कार दिया जाए, यही न्याय है। ठीक है, मतलब सीधा सा गलत वाले के साथ गलत व्यवहार करो और सही वालों के साथ सही व्यवहार करो, यही कन्फ्यूशियस की न्याय की परिभाषा है, यही चीन के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस न्याय का तर्क देते हैं कि गलत जो कर रहा है, मतलब अपन कह सकते हैं कि जैसा करना है वैसा राजा को उसके साथ भरनी चाहिए, गलत करोगे तो उसको सजा मिले और अच्छा करोगे तो इनाम देकर के समाज में आपको सम्मानित करा जाएगा, आपको पुरस्कार देकर करके आपका समाज में जय जयकार लगवाई जाएगी। ईसा पूर्व चौथी सदी के एथेंस यूनान में प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय के मुद्दों पर चर्चा करी। अब देखिए यूनान, यूनान इंग्लिश में इसको ग्रीस कंट्री कहा जाता है, ठीक है, एथेंस, एथेंस वहां का एक शहर है बेटा। ईसा पूर्व चौथी सदी, ठीक है, ईसा पूर्व ईसा मसीह से पहले के चौथी सदी में, ठीक है, तो प्लेटो ने, प्लेटो बेटा ये प्लेटो वो वाला नहीं है, ग्रह वाला प्लेटो नहीं है, आपने पहले सुना होगा नौ ग्रह, तो प्लेटो जो सबसे छोटा ग्रह है वो वाला नहीं, प्लेटो व्यक्ति का नाम है। यहां पर देखो आपको तीन व्यक्तियों के नाम पढ़ने को मिल रहे हैं, एक सुकरात आएंगे, ठीक है, सुकरात को ऐसा कहा जाता है बेटा कि सुकरात उस समय का एथेंस में सबसे ज्ञानी व्यक्तियों में से एक था, जो सबसे बुद्धिमान लोग होते हैं ना उनमें से एक था। परंतु है ना हमारे जो चाणक्य है वो एक बात बहुत अच्छी बात कहते हैं, उन्होंने कहा था कि भैया देखो चार लोगों से कभी भी है ना हमें जिद भेस नहीं करनी चाहिए, और वो चार लोग कौन कौन है, पहले है माता पिता, दो तो ये हो गए, तो माता पिता से कभी जिद भेस मत करो, वो जो बोल रहे हैं वो उचित है। तीसरा गुरु से कभी भेस मत करो, वो जो बोल रहे हैं वो भी ठीक है, और चौथा मूर्ख से तो भेस करो ही मत, नहीं वो आपको मूर्ख बना देगा, ठीक है ना, वो मूर्ख आपको साबित कर देगा कि आप ज्ञानी नहीं, आप तो मूर्ख हो। तो यहाँ पर हमारे सुकरात अंकल के साथ भी यही कंडीशन हुई। अब सुकरात अंकल पूरे उन सभी लोगों में से सबसे ज्यादा ज्ञानी आदमी थे, अब ज्ञानी आदमी ये थे, अब अज्ञानियों को जाकर के समझा रहे थे अरे बेवकूफ हो तुम तो गलत हो, तो वो सारे के सारे मूर्ख और मूर्खों से सुकरात लड़ रहे थे। तो भैया जब मूर्खों से तो जिद भेस करनी नहीं है, बात तो हमारे चाणक्य जी ने बहुत पहले ही बता दी थी, अब मूर्खों से जिद भेस कर रहे थे, तो सुकरात सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, परंतु उनको वो ऐसे कोई मानता नहीं था कि नहीं साहब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है वो, क्योंकि सारे के सारे मूर्ख थे। अब मूर्ख को क्या पता कि यह ज्ञानी व्यक्ति क्या होता है, ठीक है, जैसे वो एक कहावत है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ठीक है ना, तो अब अदरक का स्वाद बंदर को नहीं पता, उसी प्रकार से जो ज्ञान होता है ना उसकी जो पहचान है ना वो मूर्ख को क्या पता होती है, मूर्ख को क्या पता क्या ज्ञान क्या होता है, मूर्ख तो अपने अहंकार में रहता है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है, और बाकी असलियत यह है कि उसको कुछ ही नहीं आता। तो सुकरात बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, तो सुकरात के फिर जो स्टूडेंट आए, सुकरात के स्टूडेंट रहे प्लेटो, ठीक है, ये भी बड़े ज्ञानी हुए। फिर प्लेटो का स्टूडेंट आया अरस्तु बच्चों, तो इन तीनों ने ही खूब नाम कमाया है, ठीक है, तीनों ने ही खूब नाम कमाया, सुकरात प्लेटो अरस्तु। और देखिए इन लोगों की जब आप विचारधारा पढ़ेंगे, इन लोगों के बारे में आप और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, पर कब पढ़ेंगे गुरुजी हम, जब आप 11th के बाद 12th पूरी कर लोगे, और 12th के बाद जब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयरों में आओगे ना, तो एक किताबें चलेंगी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की, ठीक है, पश्चिमी राजनीतिक चिंतक, ठीक है, जो इंडिया से बाहर के जितने भी राजनीतिक चिंतक हैं उनमें सबसे पहले नाम सुकरात के, प्लेटो के, अरस्तु के ही आते हैं, इनके विचार पढ़ाए जाएंगे कि इनका न्याय को लेकर के क्या विचार था, सामाजिक समानताओं को लेकर करके क्या विचार था। उस समय कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की नींव रखना शुरू कर देते हैं। तो ईसा पूर्व चौथी सदी के एथेंस यूनान में प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में, पुस्तक का क्या नाम है, द रिपब्लिक है। अब मुझे एक छोटा सा, रिपब्लिक शब्द का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक शब्द का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था संविधान वाली किताब में, ठीक है, तो आज बताइएगा कमेंट बॉक्स में रिपब्लिक शब्द का क्या अर्थ होता है, गणतंत्र जिसको अपन कहते हैं।
उस शब्द का यहां पे वैसे कोई लिंक नहीं है, पर बस मैं आपसे पूछ रहा हूं। द रिपब्लिक, तो प्लेटो की अपनी किताब है द रिपब्लिक। अब यहां से एक मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि द रिपब्लिक किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा रचित है, तो आप लिखोगे प्लेटो के द्वारा। तो द रिपब्लिक में न्याय के मुद्दों पर चर्चा करी गई है। तो चौथी ईसा पूर्व चौथी सदी के एथेंस, यूनान, यूनान का शहर है एथेंस, वहां पर प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय के मुद्दों पर चर्चा करी है। और ये जो द रिपब्लिक किताब है ये संवाद के रूप में है, संवाद मतलब कन्वर्जेशन के रूप में है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज आप और मैं हूं, आप मेरे शिष्य हो और मैं आपका गुरु हूं, तो आपने मुझसे कोई सवाल पूछा, मैंने फिर उस पर जवाब दिया, फिर किसी ने सवाल पूछा, फिर मैंने उस पर जवाब दिया। तो ऐसे बातचीत के फॉर्म में ये किताब लिखी गई है द रिपब्लिक। सुकरात और उनके जो युवा मित्र है, बेटा ये नाम यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है ना, अभी मैं आपको ये नाम आगे लिखवा दूंगा, ठीक है, उनका हम लिखेंगे भी, बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो सुकरात और जो उनके युवा मित्र हैं वो एक ही है और एक एडमेंटस के बीच लंबी वार्ता के जरिए प्लेटो ने दिखाया कि हमारा न्याय से सरोकार होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन कौन है, सुकरात उनके युवा मित्र हैं ये दोनों, और देखो अब कौन कौन है, प्लेटो है, ठीक है, सुकरात है, सुकरात किसके, प्लेटो के गुरु है। तो अब प्लेटो भैया बोले तुम दोनों भी चलो मेरे साथ गुरुदेव के पास, गुरुदेव का सिखा के लाऊंगा ज्ञान क्या होता है, तुम बेवकूफ हो, तुम घमंड में जी रहो, गलत बात है। तो लंबी वार्ता चली इन तीनों चारों के बीच में और प्लेटो ने बताया कि हमारा न्याय से सरोकार क्यों होना चाहिए, मतलब हमें न्याय के बारे में क्यों चिंतित होना चाहिए। ऐसा आप कह दोगे नहीं छोड़ो ना न्याय, अन्याय क्या है, छोड़ो सब, अपन को कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना, ऐसा नहीं है, हमारा सरोकार होना चाहिए, हमारा कंसर्न होना चाहिए, उस बात से हमारा जुड़ाव होना चाहिए, उस पर हमारी चिंता जाहिर होनी चाहिए, सरोकार है हमारा उससे। उन नौजवानों से ने सुकरात से पूछा कि हमें न्याय संगत क्यों होना चाहिए। अब वो जितने भी नौजवान है, प्लेटो हो गए, ये सब उसके दोस्त हो गए, उन नौजवानों ने पूछा। अब नौजवान का मतलब ऐसा नहीं है कि नाइन ऐसे नहीं, नौजवान मतलब जो यूथ थे, युवा थे, उन्होंने सुकरात से पूछा क्योंकि सुकरात सबसे ज्ञानी व्यक्ति है और सवाल जवाब किससे किया जाता है, ज्ञानी से ही तो किया जाता है ना। तो यहां पे नौजवानों ने सुकरात से पूछा कि हमें न्याय संगत क्यों होना चाहिए, हम क्यों न्याय को माने और क्यों हमें न्याय के प्रेरित काम करना चाहिए, क्यों हम न्याय संगत हो, कोई भी काम हम करें तो न्याय को देख करके करें। तो सुकरात से सवाल पूछा गया है। उनका आकलन यह था कि जो अन्याय है वे न्याय लोगों से ज्यादा बेहतर स्थिति में है। देखो तो अब जो ये नौजवान है जो सुकरात के पास सीखने के लिए आए हैं, ठीक है, प्लेटो के जो दोस्त है, उनका ऐसा मानना था कि देखो बोले जो अन्याय है ना, जो अन्यायी है, जो अन्याय करता है, जो गलत काम करता है, चोरी करता है, टैक्स बचाता है, जितने भी गलत काम करता है ना, वो जीवन में सुखी है। और जो न्याय के रास्ते पर चलता है, ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है, वो इंसान दुखी है। तो इससे अच्छा तो फिर अन्याय करो, मस्त रहो, जीवन को जियो। तो उनका आकलन ये था कि जो अन्याय है वह न्याय लोगों से ज्यादा बेहतर स्थिति में, मतलब जो न्याय कर रहे हैं उनकी तुलना में ज्यादा बेहतर स्थिति में है, तो फिर हम न्याय करें तो करें क्यों। और ये बात आपने आज भी बोलते हुए सुनी होगी, आज भी आप काफी लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि भाई जो लोग गलत काम करते हैं ना उनके मजे हैं, पता नहीं भगवान तेरी भी कैसी माया है, गलत करने वाले को साथ तू गलत नहीं कर रहा और हमने क्या बिगाड़ा प्रभु तेरा। ऐसा बहुत सी बार आप लोगों ने बोलता हुआ सुना होगा कि जो गलत करते हैं, जो चोरी करते हैं, जो सारे गलत काम करते हैं, वो मस्ती में जिंदगी जी रहे और हम सही रास्ते पर चल रहे हैं तो हम दुखी हो रहे हैं। पर ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। जो देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, हर एक एक कर्म का हिसाब होता है बच्चों। अगर अच्छा काम करोगे अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। और मैं हमेशा जिंदगी में कहता हूं कि अगर आपने व्यवहार तो अच्छा रखा है ना, तो आप 100% मान करके चलिए उस व्यवहार का तो आपको 100% एक पॉजिटिव जो रिजल्ट होता है ना वो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए अच्छे कर्म करने हैं और अच्छा व्यवहार बना करके रखना है। परंतु अब इनका सुकरात से सवाल है कि भैया अन्यायी लोग हैं वो खुश है तो फिर हम न्याय करें ही तो करें क्यों। तो यहाँ पे तस्वीर दिखाई गई कि हाँ भैया सब एक है। जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कानून तोड़ते मरोड़ते हैं, कर चुकाने से कतराते हैं, झूठ और धोखाधड़ी का सहारा लेते हैं, वे अक्सर उन लोगों से ज्यादा सफल होते हैं जो सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलते हैं। तो उन नौजवानों ने सुकरात को फिर और समझाया, सुकरात को कहा कि गुरुदेव समझिए आप बात को, जो स्वार्थ पूर्ति है, जो अपने स्वार्थ के लिए अपना काम निकालने के लिए कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ठीक है, तो अपना काम निकालने के लिए कानूनों को तोड़ते मरोड़ते हैं, मतलब कानून व्यवस्था को नहीं मानते, ठीक है, बस वो ये सोचता है कि मेरा काम निकल जाए, बाकी कानून छोड़ो, हटाओ कानून, कानून को नहीं देख, अपना काम बनना चाहिए। वो लोग कर चुकाने से कतराते हैं, मतलब कर नहीं देते, टैक्स नहीं देते,
वो टैक्स नहीं देते जिससे कि सरकार देश का विकास करेगी, वो टैक्स से बचते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो धोखाधड़ी का सहारा लेते हैं। और ये ऐसे जो लोग हैं ना गुरुदेव, ये ज्यादा सफल है। सुकरात को कह रहे हैं वो नौजवान कि जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए कानूनों को तोड़ते मरोड़ते हैं, कर नहीं भरते, झूठ का और धोखाधड़ी का सहारा लेते हैं, वो लोग ज्यादा सफल हैं। जब वो ज्यादा सफल है तो फिर उसी रास्ते को अपनाया जाए ना, फिर न्याय के रास्ते पर चले तो चले क्यों। देखो यहां पर वो सीधा सा कॉन्सेप्ट समझेगा, वो सीधे जो डायरेक्ट पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि सुकरात जी न्याय संगत क्यों रहे, हम क्यों न्याय को माने, हम न्याय को क्यों माने, हम जस्टिस को क्यों माने, क्या क्यों माने न्याय। तो सुकरात ने बोला क्यों नहीं मानोगे भाई। तो बोले देखो जो जितने गलत काम करता है, जो अन्याय है वो तो ज्यादा खुश है, और जो न्याय करने वाले वो दुखी है। जो स्वार्थ के लिए अपने कानून तोड़ देते हैं, मरोड़ते हैं, कर नहीं चुकाते, वो लोग ज्यादा सफल है, और जो न्याय के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर, ईमानदारी के रास्ते पर चलता है वो दुखी है। तो फिर हम ऐसे रास्ते को क्यों अपनाएं जिससे हम लोग दुख पर जाएं। सुकरात ने उन नौजवानों को याद दिलाया कि यदि हर कोई अन्याय हो जाए, यदि हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए कानून के साथ खिलवाड़ करे, तो किसी के लिए भी अन्याय से लाभ पाने की गारंटी नहीं रहेगी, कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, और इससे संभव है कि सबको नुकसान पहुंचेगा। अब देखिए सुकरात ने उन नौजवानों से क्या कहा। देखिए जब अज्ञानी बोलते हैं ना, वो बोलते हैं, पर ज्ञानी की कुछ बातें, कुछ पंक्तियां ही बहुत होती है। अब जब सुकरात जी ने बोलना शुरू करा तो सुकरात जी ने उन नौजवानों को याद दिलाया, उनको समझाया कि अरे भाई अगर हर कोई अन्याय हो जाएगा, अगर सारे के सारे अन्याय हो जाओगे, तो हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, वो कानून को तोड़ेगा, मरोड़ेगा, ठीक है, और किसी के लिए भी अन्याय से लाभ पाने की गारंटी नहीं रहेगी। मतलब फिर तो सब, आप भी अन्याय कर रहे हो, वो भी अन्याय कर रहा, जब सभी एक दूसरे के साथ अन्याय कर रहे हो तो फिर न्याय बचेगा कहां पर, और फिर कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, और इससे संभव है कि सबको ही नुकसान पहुंचेगा। देखो आज जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने किसी के साथ अन्याय कर लिया, तब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने पागल बना दिया, बेवकूफ बना दिया उसको। पर अब मान लो कोई, अब जब मैं इस चीज को नहीं मान रहा हूं कि न्याय व्याय जस्टिस वस्टिस क्या होता, छोड़ो सब कुछ, तो दूसरा व्यक्ति भी किसी दिन मेरे साथ अन्याय कर लेगा। फिर ऐसे जब सभी अन्याय करने लग गए तो ये सबके लिए ही नुकसानदायक होगा, ये फायदेमंद वाली चीज नहीं है। न्याय के रास्ते पर चलना ही चाहिए, कानून व्यवस्था को हम लोगों को मानना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम सब अन्याय करने लग गए तो ये सब अन्याय करने वाले हम सबके लिए नुकसानदायक है, ये नुकसानदायक है, ऐसा नहीं। इसलिए न्याय को मानो, न्याय कानून व्यवस्था को मानो। इसलिए हमारा दीर्घकालिक हित इसी में है कि हम कानून का पालन करें और न्याय बने। तो सुकरात भैया कहते हैं कि हमारा दीर्घकालिक हित मतलब लंबे समय के लिए जो हमारा फायदा है वो इसी में है कि हम सब क्या करें, कानून का पालन करें, हम कानून का पालन करें और हम सभी न्याय बने, मतलब हम जस्टिस को माने, हम न्याय को माने। सुकरात ने स्पष्ट किया कि हमें न्याय के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है ताकि हम ये देख सके कि न्याय संगत होना क्यों महत्वपूर्ण है। तो सुकरात स्पष्ट करते हैं अपने उन विद्यार्थियों को कि भाई देखो हमें न्याय का अर्थ को स्पष्ट समझने की जरूरत है, हम न्याय को समझे, जब ही न्याय को समझोगे तभी आप ये समझ पाओगे कि न्याय संगत होना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हमें न्याय संगत होना चाहिए। देखिए संगत का मतलब क्या होता है, अब मैं आपको आसान भाषा में और चीजें समझा देता हूँ। संगत का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना भाई जैसी संगत होगी वैसा व्यक्ति होगा, हाँ गलत लोगों के साथ रहोगे तो उसका गलत ही प्रभाव पड़ेगा और अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा। तो संगत कहीं ना कहीं एक प्रकार से साथ है, तो न्याय के साथ, न्याय संगत हो तो न्याय के साथ, आप न्याय के साथी हो, आप अन्याय के साथी नहीं हो, तो न्याय संगत मतलब न्याय के साथी हो। तो न्याय संगत होना क्यों महत्वपूर्ण, मतलब हमें न्याय की संगत या न्याय का साथी क्यों बनना है, तो उसके लिए न्याय का अर्थ समझना जरूरी है। उन्होंने बताया कि न्याय का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम अपने मित्रों का भला करें और दुश्मनों का नुकसान करें या अपने हितों के पीछे लगे रहे, ठीक है। तो सुकरात ये कहते हैं कि न्याय का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम हमारे दोस्तों का भला कर दें, अपने परिवार वालों का भला कर दें, अपने रिश्तेदारों का भला कर दें, और जो भी मेरे सारे खिलाफ है, जो भी मेरे दुश्मन है, उन सबके हम विपक्ष में काम करें, या पूरा जीवन जो है बस वो खुद के जो पूरी इच्छा है उनको पूरा करने में, ठीक है, अपने हितों के पीछे में लगे रहे, यह न्याय नहीं है। ये तो अगर न्याय हो जाता तो फिर जो स्टूडेंट कह रहे हैं वही बात हो जाती कि यहाँ भाई अपने लिए जियो, अपने लिए करो, अपने लिए कैसे भी कर लो, बस वही सब कुछ न्याय हो जाए। तो यहाँ पे सुकरात कहते हैं कि सिर्फ अपने दोस्तों के लिए
अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने खुद के हितों के पीछे भागना ही न्याय नहीं है, जस्टिस नहीं है। न्याय में तमाम लोगों की भलाई निहित रहती है। जैसे एक डॉक्टर अपने सभी मरीजों की भलाई की चिंता करता है, उसी तरह न्याय संगत शासक या सरकार को भी जनता की भलाई की चिंता करनी होगी। जनता की भलाई की सुनिश्चितता में हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना शामिल है। तो न्याय क्या है? न्याय तमाम लोगों की भलाई निहित होती है। मैंने आपको क्या कहा था? न्याय प्रेम की तरह है, न्याय लव की तरह है, पर प्रेम व्यक्तिगत है। हम किसी व्यक्तिगत से प्रेम चाहते हैं, एक व्यक्तिगत अलग अलग लोगों से प्रेम चाहते हैं, परंतु जब न्याय की बात करते हैं तो पूरे समाज की बात आती है, पूरे सोसाइटी की बात आती है, और समाज में हर व्यक्ति आता है। तो समाज में हर व्यक्ति आता है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि न्याय में तमाम लोगों की भलाई नहीं है। जितने भी लोग समाज में रह रहे हैं उन सबकी भलाई होनी चाहिए। सिर्फ खुद की भलाई सोचना भी अन्याय है, दोस्तों की भलाई सोचना भी अन्याय है, ठीक है, और परिवार की, रिश्तेदारी की, खुद के हितों की भलाई सोचना भी अन्याय है। हमें सबकी भलाई सोचना चाहिए, वही क्या है? न्याय है, और उसी हिसाब से काम करना चाहिए। अब जैसे कि डॉक्टर है, वो सभी मरीजों की भलाई सोचे कि हाँ भैया सभी मरीजों का भला होना चाहिए, उसी प्रकार से जो शासक है या जो सरकार है उसको जनता की चिंता करनी चाहिए, उसकी भलाई की चिंता करनी चाहिए, और समाज में रह रहे सभी व्यक्तियों को उनका वाजिब हिस्सा देना चाहिए। वाजिब मतलब बिल्कुल जो सही हिस्सा है वो उनको देना चाहिए, वही न्याय है। ये विचार कि न्याय में हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना शामिल, आज भी न्याय की हमारी समझ का महत्वपूर्ण अंग बना हुआ है। और ये विचार कि न्याय में हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना शामिल है, आज भी न्याय की हमारी समझ का हिस्सा है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ ये जो वाजिब हिस्से वाली बात है ये क्या है। आपने कक्षा 10 में पहला अध्याय पढ़ा, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी में आपने दो देशों की कहानी पढ़ी थी, श्रीलंका की और बेल्जियम की। बेल्जियम में डच और फ्रेंच के बीच में क्या था कि साहब हमें हमारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, हमें वाजिब हिस्सा मिलना चाहिए। वहां पर बात मान ली गई, देश शांति की ओर चलता रहा। और श्रीलंका में भी तमिलों ने यही बात करी थी कि साहब हमें सत्ता में हिस्सेदारी मिले, हमें शासन में साझेदारी मिले, तो वो वाजिब हिस्सा मिलना चाहिए। ठीक है, भारत में जो दलित पिछड़े रह गए हैं उनको सत्ता में लाने के लिए उनको हिस्सेदारी साझेदारी से जोड़ा गया, उनके लिए आरक्षण जैसे प्रावधान करे गए। ठीक है, जब सरकार बनाई जाती है तो हर वर्ग हर समुदाय के मंत्री बनाए जाते हैं भारत में, और उसी के साथ दक्षिण भारत से भी बनाए जाएंगे, उत्तर भारत से बनाए जाएंगे, पश्चिम भारत से बनाए जाएंगे, पूर्व भारत से भी बनाए जाएंगे, हर जगह से मंत्री बनाए जाते हैं। पुरुष भी महिला भी सभी वर्गों के, सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग बनाए जाते हैं। तो ये क्या है? वाजिब हिस्सा दिया जा रहा है उनको, साझेदारी दी जा रही है सरकार में। तो वाजिब हिस्सा वाला आज भी हमारे समझ का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, हम सब क्या चाहते हैं कि हमारा जो है वाजिब हिस्सा हमें मिलना चाहिए, जितना मैं डिजर्व करता हूं वो होना ही चाहिए। बहरहाल प्लेटो के जमाने की तुलना में आज ये समझ जरूर बदली है कि किसी व्यक्ति का प्राप्य क्या है, यानी वह क्या पाने का अधिकारी है। देखिए, अब ये प्लेटो भैया है, तो प्लेटो के जमाने की तुलना में अगर हम आज ये स्पष्ट ये समझना जरूरी है कि व्यक्ति का प्राप्य क्या है, मतलब क्या पाने का अधिकारी है, कि मतलब उसको वो पाने का क्या अधिकार है। अब वो जो करेगा उस हिसाब से वो पाएगा। आज न्याय की हमारी समझ इस समझ से गहरे में जुड़ गई है कि मनुष्य होने के नाते हर व्यक्ति का प्राप्य क्या है। तो हमारी जो न्याय की हमारी जो समझ है वो इस बात से जुड़ गई कि मनुष्य होने के नाते हर व्यक्ति का प्राप्य क्या है, मतलब वो क्या पाने का अधिकारी है। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के अनुसार हर मनुष्य की गरिमा होती है। अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत है तो उनमें से हर एक का प्राप्य यह होगा कि उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त हो। तो ये इमैनुअल कांट है, ये भी मतलब एक बहुत गजब के दार्शनिक रहे हैं, और जब आप कॉलेज में जाएंगे तो इनके बारे में आपको पढ़ने का अवसर मिलेगा। ठीक है ना, देखो कॉलेज की जब पढ़ाई होगी तो थोड़े से और सिस्टमेटिक ढंग से आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप एक साल तो पढ़ोगे जो भारत के जो विचारक हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी हो गए, महर्षि दयानंद सरस्वती जी हो गए, बाबा साहब अंबेडकर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, ठीक है, अलग अलग जो विचारक हैं इन लोगों के बारे में आप पढ़ोगे। फिर एक वर्ष में आप जो पश्चिमी विचारक हैं, जैसे इमैनुअल कांट हो गए, सुकरात हो गए, प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, ऐसे विचारकों के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, और फिर आपकी एक गजब की जो समझ है ना वो समझ आपकी विकसित हो जाएगी। तो इमैनुअल कांट के अनुसार हर मनुष्य की गरिमा होती है। ठीक है, गरिमा का मतलब एक प्रकार से उसकी डिग्निटी है, उसकी रेस्पेक्ट लेवल है।
हर मनुष्य की एक रेस्पेक्ट लेवल होती है, उसकी डिग्निटी होती है कि हाँ साहब मैं इस रेस्पेक्ट इस सम्मान पे जीना चाहता हूँ। देखिए कोई व्यक्ति होता है कि एक हद तक किसी बात को सहन कर लेता है, सुन लेता है, वो ठीक है चलो जाने दो जाने दो, पर जब एक बार कोई बात उसके आत्मसम्मान पर आ जाती है ना, उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट पर आ जाती है, तो फिर वो व्यक्ति उसके में जवाब देना शुरू कर देता है। इमैनुअल कांट ये कहने कि हर व्यक्ति का एक आत्मसम्मान होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, डिग्निटी होती है, गरिमा होती है। अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत है, मतलब सभी व्यक्तियों की गरिमा को शासन सरकार एक्सेप्ट कर रही है कि हमें सभी व्यक्तियों की गरिमा का ध्यान रखना है, तो उसमें प्राप्य क्या होता है, मतलब लोगों का पाने क्या पाने का अधिकारी होगा, मतलब यह कि अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त हो। मतलब अगर वहां पर सभी की गरिमा को, सभी के आत्मसम्मान को स्वीकार किया जाता है कि हाँ भैया आपके सभी के जो आत्मसम्मान है, सेल्फ रेस्पेक्ट उसको स्वीकार किया जाता है, इसका मतलब यह है कि आप सभी को अपनी प्रतिभा, प्रतिभा का मतलब क्या है, आप में जो टैलेंट है, आप में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को विकसित करने के लिए आपको अवसर दिया जाएगा। ठीक है, आप में अपना ज्ञान है उसके लिए दर्शाने के लिए आपको अवसर दिए जाएंगे, मौके दिए जाएंगे, और जो भी आप लक्ष्य पाना चाहते हो उसकी पूर्ति के लिए भी आपको अवसर दिए जाएंगे। तो मैंने आपको शुरुआत में कहा था ये चैप्टर थोड़े से न्याय के साथ, जो न्याय वाला चैप्टर है ये स्वतंत्रता समानता के साथ जुड़ा हुआ है, वहां भी हम क्या बात करके आ रहे थे कि अवसर प्राप्त होने चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ओके, और देखो शब्द जो है गरिमा यहाँ पर आत्मसम्मान है, प्रतिभा मतलब टैलेंट है, तो प्लीज थोड़ा सा शब्दों पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, गरिमा प्रतिभा कंफ्यूज मत हो जाइएगा। न्याय के लिए जरूरी है कि हम तमाम व्यक्तियों को समुचित और बराबर की अहमियत दें। न्याय के लिए जरूरी क्या है कि हम तमाम व्यक्तियों को समुचित और बराबर की अहमियत दें। बस न्याय इतनी सी बात कहता है कि हम सबको उचित और बराबर की अहमियत दे, हम किसी को ज्यादा इंपोर्टेंस और किसी को कम इंपोर्टेंस दे ये गलत बात है, वो भी अन्याय है। सबको बराबर की अहमियत देनी चाहिए और सबको बराबर उचित अहमियत उनको दे, ये क्या कहला रहा है, न्याय कहला रहा है। और यही बात क्या है, समानता करती है कि सबको बराबर अवसर मिलना, उनको सबको बराबर मौके मिलना, उनको बराबर इंपोर्टेंस देना हमारी समानता है। सुक्रात से ग्लोइकोन, ठीक है, तो वो जो एक प्लेटो के दोस्त है वो ग्लोइकोन है। ठीक है, सुक्रात से ग्लोइकोन द रिपब्लिक में, अब द रिपब्लिक किसके द्वारा लिखी गई है, प्लेटो के द्वारा लिखी गई है, और प्लेट यहाँ पर क्या है, संवाद के तौर पर, कन्वर्जेशन के तौर पर, बातचीत के रूप में किताब लिखी गई है, जिसमें जो प्लेटो है, प्लेटो अपने दोस्त ग्लोइकोन और एक जो व्यक्ति है उनके साथ, ये तीनों गुरुदेव सुक्रात के पास बैठे हुए हैं। और क्योंकि सुक्रात उस समय एथेंस के सबसे ज्ञानी लोगों में से एक है, मतलब ज्ञानी लोगों में से एक क्या है, ज्ञानी लोग ही वह हैं, ठीक है ना। ओके, सुक्रात से ग्लोइकोन, अब ग्लोइकोन सुक्रात से कुछ कह रहे हैं, ठीक है, उसका जिक्र द रिपब्लिक में करा गया है। तो क्या कहा है, वे कहते हैं कि अन्याय करना स्वाभाविक रूप से अच्छा है और दुष्टता झेलना बुरा है। तो ग्लोइकोन ने क्या बात कही, बड़े ध्यान से सुनना आप लोग, वो कहते हैं कि अन्याय करना स्वाभाविक रूप से अच्छा है, मतलब कि जब हम किसी के साथ गलत करें ना तो ये अच्छा है, अन्याय करना अच्छा है, परंतु दुष्टता झेलना बुरा है। कि अगर हम किसी के साथ अन्याय करते हैं वो तो स्वाभाविक रूप से हमें अच्छा लगता है, क्योंकि भाई मान लो अगर आपने किसी के साथ चीटिंग कर ली, जैसे मान लीजिए आप दुकान पे गए और दुकान वाले ने आपको देने उसको 10 रुपए थे, उसने आपको गलती से 20 का नोट पकड़ा दिया, तो आप उसको पागल बना करके आ गए, आपने सोचा वाह यार मजे आ गया आज, तो मेरे दुकानदार को पता ही नहीं चला उसने मुझे 20 का नोट दे दिया, 10 रुपए आज एक्स्ट्रा आ गए, ये आपने उसके साथ अन्याय कर दिया, तो आप स्वाभाविक रूप से आपका स्वभाव खुश हो गया, वाह वाह मजा आ गया मजा। पर ऐसा कोई आपके साथ कर दे, तो आपको कम पैसे पकड़ा दे और आपसे ज्यादा लेकर के चले जाए, फिर तो दुख होगा, तब तो उस दुष्टता को झेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मतलब जब हम किसी दूसरे के साथ गलत करते हैं ना तो हमें मजा आता है, पर जब कोई हमारे साथ गलत करता है ना तो फिर हमें बुरा लगता है। लेकिन यह भी कि भलाई की तुलना में दुष्टता बड़ी है, और इसलिए जब लोग अन्याय करने और झेलने दोनों का अनुभव प्राप्त करते हैं, जब वे किसी एक से बचने और दूसरों को पाने में सफल नहीं होते, तब वे सोचते हैं कि दोनों में से कुछ भी ना होने के लिए आपस में समझौता करना बेहतर होता है। अब देखो क्या कहा है कि भलाई की तुलना में दुष्टता बड़ी है। अब क्या है कि जब हम किसी के साथ अन्याय करते हैं ना, जितनी खुशी में उस समय नहीं होती, उससे बड़े जब कोई हमारे साथ गलत करता है ना, दुख तब वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो दुष्टता बढ़ी है, और इसलिए जब लोग अन्याय करने और झेलने, एक तरफ अन्याय कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं जब खुश है और झेल रहे हैं तब दुख है, दोनों का अनुभव प्राप्त करते हैं, दोनों का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, जब गलत करा तब खुशी का अनुभव करा, वाह वाह मजे आ गए मजे आ गए, जब किसी दूसरे के साथ हमारे साथ गलत करा तो हमने दुख का भाव, दुष्टता का जो भाव है वो झेला। जब वे किसी एक से बचने और दूसरे को पाने में सफल नहीं होते, अब जब एक से बचना किससे, कि कोई हमारे साथ जो अन्याय कर रहा है उससे हम लोग बच जाए, कि कोई मेरे साथ अन्याय नहीं कर ले, और हम पाना किसको चाह रहे हैं, कि मैं सबके साथ अन्याय करता चलूं, मैं सबके साथ इनजस्टिस करता चलूं, मैं सबको पागल बनाता चलूं, बेवकूफ बनाता चलूं, पर कोई मुझे ना बनाए,
तब वे सोचते हैं कि दोनों में से कुछ भी ना होने के लिए आपस में समझौता करना बेहतर होता है, और फिर वो कहते हैं कि जब दोनों ही ना हो, कि ना तो मैं किसी को पागल बना पाऊं ना कोई मुझे पागल बना पाए, इसलिए समझौता करना बेहतर है। यहां से कानून और आपसी प्रसन्नताएं बनती है, और जो कुछ कानून के द्वारा किया जाता है उसे कानून सम्मत और नियोजित कहा जाता है। तो यहाँ पे ग्लोइकॉन बहुत अच्छी बात कहते हैं, और जब व्यक्ति दोनों ही चीज नहीं कर पाता, ना वो किसी दूसरे के साथ अन्याय कर पाता है और ना अन्याय सहना चाहता है, तब वो क्या है, हम उस समय कानून की बात पर आ जाते हैं। कानून ऐसी व्यवस्थाएं तय कर देता है कि हाँ साहब, ये जो है ये चीजें गलत हैं और ये चीजें सही हैं, तो सही को माना जाए और गलत को छोड़ दिया जाए, इसी को कानून सम्मत और नियोजित कहा जाता है। तो ये ग्लोइकॉन ने किससे कहा है, गुरु सुकरात से कहा है। कितनी अच्छी गजब की बात ग्लोइकॉन ने कही है, कौन सी किताब में कही है, द रिपब्लिक में कही है। रिपब्लिक किताब किसकी है, प्लेटो की है, और प्लेटो ने ये जो किताब लिखी है वो बातचीत के फॉर्म में लिखी है, कि जो शिष्य हैं सुकरात के, प्लेटो, ग्लोइकॉन, ये सब ये सुकरात से सवाल जवाब कर रहे हैं और सुकरात को कुछ बातें बता भी रहे हैं। ओके, तो ये न्याय के बेसिक सा जो ओवरव्यू इंट्रोडक्शन था आज के लेक्चर में। आपको इसमें कोई डाउट, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और बाकी ये नए अध्याय की शुरुआत कैसी हुई, कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, वो भी बताइएगा, और पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, इस चैनल को भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बढ़ाते रहिएगा, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी नई जानकारियों की सूचना तुरंत मिलती रहे। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।